दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित 674 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला आज 7 राज्यों में 51 सीटों पर होने वाले चुनावों में करीब 9 करोड़ मतदाता करेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और इसके सहयोगियों के लिए काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है, क्योंकि साल 2014 के चुनावों में बीजेपी ने इनमें से 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि शेष पर अन्य विपक्षी दलों ने जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों, राजस्थान में 12 सीटों, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में 7-7 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि बिहार में 5 और झारखंड में 4 सीटों के लिए चुनाव होना बाकी है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख सीट और अनंतनाग सीट के लिए पुलवामा और शोपियां जिलों में चुनाव होना है। चुनाव आयोग ने 94,000 मतदाता केंद्रों का निर्माण किया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पांचवें और सबसे छोटे चरण में 8.75 करोड़ मतदाता 674 उम्मीदवारों के भविष्य तय करेंगे। इस चरण के साथ ही 424 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएंगे और शेष बची 118 सीटों पर 12 और 19 मई को चुनाव होंगे। दोस्तों लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। 7 राज्यों की कुल 51 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 10 बजे तक की रिपोर्ट में राजस्थान में 14% और मध्य प्रदेश और झारखंड में 13% मतदान वोटिंग हुई है। आज जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उन पर करीब 8,75,00,000 मतदाता है, 674 उम्मीदवार है। जिन 51 सीटों पर मतदान है, 2014 में भाजपा ने उनमें से 39 सीटें हासिल कर ली थी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी। इस बार उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 14 सीटों पर वोटिंग है। आज यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी समेत कई बड़े नेताओं की सीटों पर भी मतदान है। आइए दोस्तों जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर 10 बड़ी बातें। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर बड़ी राजनीतिक हस्तियों के बीच में चुनावी टक्कर है, जिनमें केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल है। भाजपा ने साल 2014 में इनमें से 12 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीटों पर कब्जा बरकरार रखा था। पूरे राज्यों में 80 सीटों में से केवल इन्हीं 2 सीटों पर कांग्रेस को फतेह मिली थी। वहीं दोस्तों अमेठी और रायबरेली में सपा बसपा गठबंधन ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं और इन दोनों सीटों को कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से दोबारा मैदान में हैं, जबकि स्मृति ईरानी अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। साल 2014 के चुनाव में इन 51 सीटों में से 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश की 14 में से 12, मध्य प्रदेश में पूरी 7, बिहार में 5 में से 3, झारखंड में सभी 4 और जम्मू कश्मीर की 2 में से 1 सीट जीती थी। पांचवें चरण के मतदान में उत्तर प्रदेश में काफी सीटें वही हैं जहां वर्ष 2014 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार उन्हें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से कड़ी टक्कर मिलने की काफी उम्मीदें हैं। दोस्तों राजस्थान में 12 सीटों पर जिन 134 उम्मीदवारों की किस्मत तय होनी है, उनमें तो 2 ओलंपिक खिलाड़ी, 1 पूर्व आईएएस अधिकारी और 1 पूर्व आईपीएस अधिकारी भी शामिल है। इस चरण के बाद में राजस्थान में चुनाव खत्म हो जाएंगे। राजस्थान में राजवर्धन राठौड़, कृष्णा पूनिया, अर्जुन राम मेघवाल प्रमुख उम्मीदवार है। वहीं पश्चिम बंगाल में सभी 7 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस और माकपा के बीच चतुष्कोणीय मुकाबला है। 2014 के चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं बिहार में 5 सीटों में से हाजीपुर, जहां लोकसभा जनशक्ति पार्टी का गढ़ है, वहीं सारण राजद का गढ़ माना जाता है। 3 अन्य संसदीय क्षेत्र है, मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी और मधुबनी। झारखंड में 4 सीटें हजारीबाग, कोडरमा, रांची और खूंटी में चुनाव होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री जयंता सिंह हजारीबाग से फिर से चुनाव मैदान में हैं। दोस्तों बिहार में वर्ष 2014 के चुनावों से लेकर अभी तक स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। पिछले समय जब जनता दल यूनाइटेड भाजपा के खिलाफ मैदान में था, लेकिन इस बार जदयू और भाजपा के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से कड़ी चुनौती मिलने की काफी उम्मीद है। मध्य प्रदेश में 7 सीटों, जिनमें से टीकमगढ़, दाबोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में चुनाव होंगे, जहां 2014 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी। लद्दाख में 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा से जहां शेरिंग नामग्याल मैदान में है, वहीं कांग्रेस से रिगजिन इस्पालवार है और 2 उम्मीदवार निर्दलीय है। लोकसभा चुनाव की 542 सीटों के लिए 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में चुनाव हो रहे हैं। मतगणना 23 अप्रैल को होगी।